और मेरे पास ये रिसर्च पड़ी है पूरी 46 पेजेस की है, 46 सफात की, कि जानवर को इस्तेमाल करने के खाने के जितने भी तरीके हैं। एक तरीका क्या है, दुनिया में पानी लगाते हैं, उस पानी में करंट छोड़ देते हैं और मुर्गियों को उल्टा लटका के करंट में गिरा देते हैं, अब वो मर जाएगी तो उसको खा लेंगे। एक तरीका क्या है कि वो बिजली का हथौड़ा लाएंगे और सारी गायों के सर पे मारेंगे, वो करंट लगेगा और उसको दुंगो चीर फाड़ देंगे। एक मुल्क में तो अजीब ही तरीका है, बकरे को पकड़ के उल्टा करेंगे, उसके सीने के बीच में लंबा चीरा डालेंगे और उसका दिल खींच के निकाल लेंगे। और इस्लाम का तरीका देखो, सबसे पहले सोचो जरा, 46 पेजेस, लंदन के अंदर ये रिसर्च हुई है। कहते हैं सबसे पहले तो ये बात याद रखना, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर ग्रेट, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर ट्रू, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर 100% एब्सोल्यूट, कैन नॉट बी पुट टू टेस्ट। अल्लाह का हुक्म है ये, तुम्हारी अकलें महदूद, अल्लाह के इल्म की तो इंतहाई कोई नहीं है, तुम कभी भी अल्लाह के हुक्म के आगे जबान दराजी नहीं कर सकते। लेकिन सोचो, कुर्बानी का वो तरीका सबसे अच्छा होगा जिसमें अखराजात कम हो, और इसमें क्या अखराजात होते हैं, वो तो कसाई ईद के दिन 25,000 ले रहा है ना गाय का, वैसे तो नहीं लेता इतने पैसे वो। नंबर दो, जानवर के सामने किसी दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना। नंबर तीन, जो बंदा जानवर ज़िबा करने वाला उसे शराब ना पियो, पागल ना हो, वो बहका नवा ना हो, उसके हालात सही हो, फौरन आए और ज़िबा कर दे। जानवर में ऐब कोई ना हो, आंखें खराब ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमार होगा तो तुम्हें बीमारी लग जाएगी ना, मना कर दिया गया। और इतनी ताकत उसमें हो कि कुर्बान गाह के अंदर चल के आ सके। और अब जो आप जानवर को ज़िबा करते हैं गर्दन के साथ, इसके अंदर क्या क्या हिकमतें हैं कि व्हेन यू कट दैट्स डीप कट, और ये गहरा कट उसी गर्दन पे लगाते हैं, खून निकलता है। फिजिक्स का असूल ये है कि प्रेशर की तरफ जहाँ ज़्यादा प्रेशर हो वहाँ मूवमेंट होती है, खून सारा बाहर निकल जाता है और उसका गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त तवाना होलसम होता है। मैंने फ्रांस की एक वीडियो देखी, एक बच्चा गोश्त खरीद रहा था, उसने कहा सारे गोश्त छोड़ दो, मुझे मुसलमानों वाला ज़बीहा का गोश्त दो। मुसलमान खुद नहीं था, उससे पूछा बेटा क्यों ले रहे हो गोश्त, कहता ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है।